आपको डर लग रहा है ना, इसलिए आप ये वीडियो पे क्लिक कर रहे हैं। ऑब्वियसली आपको बहुत डर लग रहा है कि यार नीट का पेपर कैसा होगा, मतलब पिछले साल की तरह होगा या कुछ अलग होगा, कितना डिफ़िकल्ट होगा, पेपर की लेवल कैसी होगी, मतलब मैं कर पाऊँगा या ना कर पाऊँगा, मुझे सीट मिलेगी या ना मिलेगी। मतलब यार सबसे पहले तो यार ये सब बातें ना फिजूल की बातें, ठीक है। मतलब इससे एक तो बात पता चलती है कि यार आप ना पढ़ाई पे कम और बाकी सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। मतलब इसका और भी एक मतलब हो सकता है, आपका MBBS गोल ही नहीं है। खैर जो भी बातें हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो अभी दिमाग में से निकाल दो, ठीक है। एग्ज़ाम कैसी होगी वो तो किसी को भी नहीं पता है, बट अब तक के रिकॉर्ड के हिसाब से या अब तक जो भी ऑफिशियल नोटिस आए ENT के वेबसाइट्स पे, तो क्या है ना कि एग्ज़ाम जो पैटर्न है उसके हिसाब से या पूरे रिकॉर्ड के हिसाब से एग्ज़ाम जो होगी ना, वो उसकी लेवल कुछ हाई नहीं जाएगी, लो भी नहीं जाएगी। जो लेवल पिछले साल के एग्ज़ाम में थी ना, वही लेवल होने वाली है, कुछ अलग कुछ भी नहीं होने वाला है। तो यार ये बात दिमाग में से निकाल दो, ठीक है, कि पेपर कैसा आएगा, कुछ भी जो भी आप सोच रहे हो अभी। तो क्या है ना कि यार इससे क्या होगा कि आप भटक रहे हो अपने डायरेक्शन से। तो ये जो टाइम होता है ना, वो बहुत क्रूशियल होता है। मतलब क्या है ना कि इसी टाइम में अगर आप डाइवर्ट हो गए ना, तो भाई मतलब क्या है ना कि यार आप एक्चुअल एग्ज़ाम में परफॉर्म नहीं कर पाओगे। मतलब क्या है ना कि अब अगर अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि ये टाइम इतना इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए, ठीक है, कि यार अगर आपका अब तक कुछ भी नहीं हुआ है ना, कुछ भी नहीं हुआ है ना, अगर आप अभी से स्टार्ट करते हो ना, तो भाई आप कर सकते हो 100%। आप एग्ज़ाम कैसी भी आए, कितना भी डिफ़िकल्ट आए, ठीक है, सिलेबस के बाहर तो नहीं आने वाला, ये तो बात कन्फर्म है, ठीक है। नहीं पता तो मैं फिर से बता दूँ, सिलेबस के बाहर कुछ नहीं आता है, या NCERT के बाहर कुछ नहीं आता है, ठीक है, NCERT के बाहर कुछ भी नहीं आता है। तो यार अगर आप अभी से भी स्टार्ट करते हो ना, पूरे पेशेंस के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ, तो यार आप कर सकते हो पूरा, मतलब नीट क्रैक कर सकते हो, ठीक है। मैंने भी खुद करी है, सिर्फ 2.5 महीने में, मतलब 2.5 मंथ्स में मैंने नीट क्रैक करी है भाई, ठीक है। जब मैंने स्टार्ट करा ना, तब मेरी नॉलेज जीरो थी, जीरो जीरो जीरो। तो यार तब जीरो से स्टार्ट करके मैंने सिर्फ 2.5 महीने में नीट क्रैक करी है। तो यार आप क्यों नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यार ये जो टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब जो बातें हैं वो सब दिमाग में से निकालनी है हमें, ठीक है। बस अभी फोकस रहना है, हमारे एग्ज़ाम की डेट हमें पता है, ठीक है, एग्ज़ाम का मोड भी पता है कि एग्ज़ाम कैसे होने वाली है, पेपर और पेन मोड, मतलब ऑफलाइन मोड पे होने वाले जैसे हर साल होती है। तो यार ये बातें क्लियर है, तो अभी एग्ज़ाम फॉर्म जब आएंगे तब आएंगे, उसकी नोटिस भी आएंगी ENT के वेबसाइट पर। तो और दूसरी बात, इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें पूरे पूरे मतलब अब से और पूरे पूरे काउंसलिंग के प्रोसेस तक, ठीक है, वो सब इंफॉर्मेशन बुलेटिन में आएगी जब भी एग्ज़ाम, मतलब इंफॉर्मेशन बुलेटिन वो भी ENT के वेबसाइट पे आ ही जाएगा। तो ये सब सर्च करना, ये सब टाइम पास करना, ये सब बातें यार ये अभी नहीं करनी है, एग्ज़ाम के बाद करो, ठीक है। जो भी करना है, कट ऑफ वट ऑफ जो भी ये चीज़ें, वो सब फालतू की चीज़ें, वो बाद में देख लेना है, ठीक है। अभी सिर्फ एग्ज़ाम पे फोकस करना है हमें, पूरे सिलेबस पे फोकस करना है। यार खुद मैं अभी एक क्वेश्चन आपको पूछता हूँ, ठीक है, उसका जवाब खुद ही खुद को देना, ठीक है, खुद को ही उसका आंसर देना है, ओके। कि यार आपका सिलेबस हुआ है, खुद का, मैं कोचिंग वालों का नहीं बोल रहा, खुद का सिलेबस खुद से हुआ है कंप्लीट? ऑब्वियसली अभी जो भी वीडियो देख रहा है वो ऐसा स्टूडेंट है मेरे जैसा, मैं भी वैसा ही था, मैं भी एवरेज ही स्टूडेंट था। तो ऐसा ही सोच रहा है कि यार मेरा तो यार इतना अच्छे से नहीं हुआ है, या मेरा मतलब कि कोई कोई सोच रहा है कि यार मेरा तो कुछ भी नहीं, अब तक मैंने कुछ भी नहीं करा है। तो भाई सुनो मेरी बात, अभी भी आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने मेरा स्ट्रैटेजी वाला वीडियो नहीं देखा है, तो यार लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो वो देखो एक बार। उसमें मैंने देखा है कि मतलब उसमें मैंने बताया कि मैंने सिर्फ 2.5 महीने में नीट क्रैक कैसे करी है, ठीक है। जो भी मैंने बोला है ना, वो पूरे दिल से बोला है, वो पूरा मेरा एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ऐसा आप करोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम के लिए 100%, सिर्फ नीट ही नहीं, JEE जो भी एग्ज़ाम है, ठीक है। तो यार ये सब अफवाह या फिजूल की बात है, ये सब बातों में अभी पढ़ना नहीं है। पेपर की लेवल जो आएगी वो आएगी,
अभी आप सोचो, अगर पेपर इजी भी आया, बहुत इजी आया, इतना इजी आया कि भाई वो लाइन टू लाइन पूरा पेपर, पूरा जितने भी क्वेश्चन है वो पूरे के पूरे लाइन टू लाइन उठाए हुए, ठीक है, बस ज़रूरत क्या थी कि अच्छे से रीड हुआ होना चाहिए, बट आपका वो भी नहीं हुआ है, किसके चक्कर में, ये सब बातों के चक्कर में। तो यार ऑब्वियसली इतने इतनी इतनी इजी एग्ज़ाम होके भी आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो ये बात समझ लो। अभी ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं रखना है, पेपर इजी आए, डिफ़िकल्ट आए, जो भी आए, ठीक है, अगर आपका खुद से पढ़ाई नहीं हुई है तो यार एग्ज़ाम का लेवल मैटर ही नहीं करती है, समझ रहे हो इस बात को। तो बस ये बात दिमाग में घुसा लो अपने, जैसे भी घुसा नहीं है दिमाग में घुसा लो, खुद से पूरा सिलेबस कंप्लीट करो और ये सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रहो। रूमर्स जो भी है, एग्ज़ाम पोस्टपोन, जो भी फालतू की चीज़ है, दिमाग में से बिल्कुल निकालो। अगर आपका गोल MBBS है तो बस उसी के लिए करना है, जो भी करना है, ठीक है। अभी शॉर्ट में कहें तो आपको कुछ बातें पता है, ठीक है, वो तो एग्ज़ाम कब होने वाली है, ठीक है, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है, ठीक है, सिलेबस क्या है, बस ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर है तो बस अभी माइंड ऐसे ही क्लीन रख के, क्लियर रख के बस अपना सिलेबस खुद से 100% परफेक्ट कर लो। उसके बाद में जो भी है एग्ज़ाम्स वगैरह, मॉक टेस्ट, वो अच्छे से दिया करो, उसका सोल्यूशन दिया करो, अच्छे से समझ के अच्छे से वो भी एग्ज़ाम्स जो भी है दिया करो, ठीक है। तो और एक बात कि यार जो जितना भी पढ़ोगे, जितना टाइम पढ़ रहे हो ना, तो उसका 50% टाइम प्रैक्टिस के लिए होना चाहिए, राइट, प्रैक्टिस, उसमें 50% टाइम आपका स्टडी का जितना भी टाइम है उसका 50% टाइम प्रैक्टिस के लिए होना चाहिए। बस ये था आज के लिए, बस डाइवर्ट नहीं होना है एंड ऑल द बेस्ट गाइस, ठीक है। तो बस यार आज के लिए इतना ही था, ऑल द बेस्ट। और अगर आपने मेरा स्ट्रैटेजी वाला वीडियो नहीं देखा है तो यार लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी दिक्कत है या कुछ भी प्रॉब्लम है यार, कुछ भी मेरे से पूछना है, ठीक है, तो यार यही कहीं मेरी इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी, तो आप बेझिझक मुझे पूछ सकते हो। और बस मिलते हैं फिर गाइस अगले लाइव सेशन में, स्टडी विद मी लाइव सेशन में या अगले किसी वीडियो में। टिल देन गुड बाय।